बनारस तो रस रस कर रहा है तो आज तो बहुत आस्था लगा के आया हूँ मैं और मैं यहाँ भगवान की दया के लिए प्रार्थना करने आया हूँ आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम हियर प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की दर्शन हुई नमस्कार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पेज और मैं इस समय मौजूद हूँ गोदौलिया और आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कतार कितनी लंबी लगी हुई है। यह कतार लगभग 3 बजे भोर से लगी हुई है और यह कतार लगभग 3 से 4 किलोमीटर की एरिया में लगा हुआ है और दूर दराज से भक्त शिव भक्त आज बाबा के दर्शन करने में उमड़े हुए हैं क्योंकि आज बाबा का विवाह है। विवाह देखने के लिए आज विभिन्न जगहों से झांकियां भी निकलेंगी और बाबा को दर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरा चकाचौंध अपनी नज़र बनाई हुई है। सादा वर्दी में भी पुलिस अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इस समय आज के जो लोग आए हैं आंध्र प्रदेश से इतने लोग आए हुए हैं कि ये कल से ही आए हुए हैं। और आइए हम कुछ बात करते हैं श्रद्धांजलि। काशी कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र सोलापुर। कब से लाइन में लगे हैं बाबा जी? 2 घंटे हो गए। कितनी आस्था है कितनी आस्था है आज? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है बनारस? बनारस तो रस रस कर रहा है। लखनऊ? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अनंत कुमार सिंह है। अच्छा, कितनी आस्था आज लगा कर आप? आज तो बहुत आस्था लगा के आया हूँ मैं। आज बाबा का शादी है, इसलिए आप क्या कहेंगे? जी जी, मैं तो सोचूं बहुत मेरी खुशी है उनकी, अर्थात से सोचा था कि पहुंच नहीं पाएंगे तो यहाँ आकर बहुत खुश हूँ बहुत, और यहाँ पहुंच भी गया बहुत। सर, ऐसी मान्यता है कि जो बाबा से मांगेगा मिलेगा? जरूर, एकदम न होना ही होना है, मिलना ही मिलना है। अब बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं कि बाबा में कितनी लालसा भरे हुए हैं, सारे भक्त जय बाबा के उद्घोष करते हुए लगातार लंबी कतार में खड़े हुए हैं अपने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार टीका भी लगाया जा रहा है जो दर्शनार्थी आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह तो आप देख सकते हैं कि कितनी लालसा भरी हुई जा रहा है, महादेव के नारे ये लड़के लगा रहे हैं। आप देख, आइए हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? आकाश जी कहाँ से आए हुए हैं? बलिया से। इस समय आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सभी छात्र इस समय पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप आए हैं, कितनी आस्था रखते हैं? अरे भगवान को हम बहुत मानते हैं। क्या मानते हैं, किस लिए आप आए हैं बताएं? कुछ मनोकामना है पूरा करने के लिए। कौन सी मनोकामना है? जो बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए? आप जी। सर, हमारा नाम अभिषेक वर्मा है। हम यहाँ पर आए थे, बहुत ही हमारी इच्छा थी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन करके चले जाएंगे। हम भी बलिया से बिलोंग करते हैं। सर, नवग्रहड़ी मेरा नाम, मैं खागत हूँ और मैं यहाँ भगवान की दया के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। और आई वांट टू टेल यू आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम हियर और मेरी बस एक ही मनोकामना है कि बस मैं जो कर्तव्य कर रहा हूँ उसमें कोई दखल ना हो, बस यही मैं भगवान को। आजकल के युवा व्हाट्सएप और फेसबुक में लीन है और आप भक्ति में, इस पर आप क्या? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर उसका पॉजिटिव यूज किया जाए उससे हम बहुत कुछ दे सकते हैं, नॉलेज या प्राप्त भी कर सकते हैं। आइए सर, आइए। मेरा नाम अंकित सिंह है। सर, अंकित जी कहाँ से आए हुए? मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ। कितनी आस्था आज है आपको बाबा से? बहुत ज़्यादा आस्था है, यहाँ पे आने वाला अच्छा फील हुआ है यहाँ पर आने पर, और अच्छी व्यवस्था यहाँ की, बढ़िया व्यवस्था भी यहाँ की। और ये माता जी जो महाराष्ट्र से आई हुई है। हाँ, बोलिए बोलिए। सोलापुर में आया, इधर से लेकर देवन पर रात्रि माखन आता दर्शला गंगे की। नाम बताइए, नाम अपना नाम बताइए। नाम है विमल सदाशिव जगताप। बनारस कैसा लगा आपको? बनारस कैसा लगा? बनारस कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। में एकटीच आले सोलापुर में दर्शनाला पण पाहिलं एकटीच आहे। सकते हैं कि कितनी श्रद्धा भरी हुई है भक्तों में और लंबी कतार में खड़े होकर अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा से कब दर्शन होंगे। और आपको बता दें कि यह देख सकते हैं आपकी लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ से गोदौलिया ये चौराहा है जो बहुत घनी आबादी है और आपको इधर से लक्सा से लेकर
और चौक तक लगातार यहाँ पे श्रद्धांजलियों की भीड़ लगी हुई है। तो आप देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? अमित गुप्ता। गोरखपुर से आए हम आज। जी जी, दर्शन करने आए हैं महादेव का, महाशिवरात्रि। अरे सुबह से आए हुए हम लोग, और कितने बजे से? चार बजे से आए हुए हम लोग। कहाँ पे व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? व्यवस्था हमारे ख्याल से तो बहुत अच्छा है अभी तक, तो सही है। योगी जी ने अच्छा व्यवस्था की है, ना कम नहीं है, सब लोग प्रॉपरली लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग चल रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है। हमारा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है। क्या कहेंगे, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, और हम लोग आए हैं दर्शन करने, चार बजे से लगे हुए हैं, और सब लोग यहाँ शांतिपूर्वक दर्शन ही कर रहे हैं, सब यहाँ बढ़िया ही है। राजेश कुमार गुप्त, राजेश कुमार गुप्त महाराजगंज जिला से आए हैं। अच्छा, और महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या कहें? महाशिवरात्रि का पर्व ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग अपना दर्शन करने जा रहे हैं। जी चले आए ना। दर्शन बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा? रीता सिंह। रीता जी, आप दर्शन करके आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत भीड़ था, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हो गया। प्रशासन बहुत बढ़िया लगा है, प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की दर्शन हुई। अच्छा अच्छा, कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे थे? 6 बजे आए थे। 6 बजे लाइन में आए थे और इस समय तक दर्शन कर दर्शन हो गए। बहुत अच्छा लगा। सुधा सिंह कहाँ से आई है? यही बनारस से। कब से आप लोग लाइन में लगे थे? 6 बजे से लिया। आज की क्या मान्यता है? बहुत मान्यता है, आज महाशिवरात्रि है, आज शिव जी का दर्शन हो गया हम लोगों के लिए, अहो भाग्य है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे आज महाशिवरात्रि पर? बहुत महापर्व। जय भोले, हर हर भोले। कुछ बोलेंगे बाबा? पाँच साल की उम्र से बाबूजी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बेटा सोमनाथ सन्यासी बाबूजी। और कितने? ये नाम है बाबूजी, ये दिखा रहे थे, दिखाई दे देखो। आप कितने सालों से आप ये? 5 साल की उम्र से। 5 साल। क्यों आप ये रूप धारण कर लिए? मेरा माँ बाप पूरी में वो अपलंक आदमी हो जाए बेटा, मैं दोनों पैर से अपलंक हूँ बाबूजी, मेरा कोई माता नहीं है कोई बाबूजी, मैं अनाथ हूँ बाबूजी का अभी। तो इस समय आप कहाँ रहते हैं? इससे ही बाबू रहता हूँ मैं, मनका घाट पर रहता हूँ। यहाँ दरगाह घाट पर रहते हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व, इसमें क्या कहेंगे आप? आज मैं कह रहा हूँ बाप, सबका भला हो बाप, मेरा भला हो, आपका भी भला हो बाप, सबका भला हो बाबूजी का। मानसी, मानसी आप लाइन में कब से लगी हुई हैं? हम 6 बजे से। सारे यूथ इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे हुए हैं और आज आप लाइन में लगी हुई, क्या बात है? आज महाशिवरात्रि है तो दर्शन करने आए हैं हम, सभी आए हैं हमारे सारे दोस्त। ये क्या नाम पड़ेगा? नाम बता दो। संध्या। आज महाशिवरात्रि पर पे आप क्या कहेंगे? बाबा के दर्शन करने आए। ये क्या नाम पड़ेगा? अंजलि। अंजलि जी, आप कब से लाइन में लगी हुई हैं? 6 बजे से। हम 4 साथ में हैं, प्रोग्राम करके निकले हुए थे कि बाबा महाकाल से दर्शन करने आए। तो कितनी आस्था लगा कर आप आई हैं आज? बहुत आस्था लगाए थे एक्चुअली, मेरे ये मतलब ये भगवान होते हैं ना, मेरे अंदर रहते हैं कि मतलब हाँ ये मेरे महाकाल मेरे पास है, इसलिए मैं इनसे दर्शन करने के लिए दूसरी लाइन से लग के आ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। क्या नाम पड़ेगा? दविंदर कौर। आज कितनी बाबा की आज शादी है, शाम को आप यहाँ से झांकियाँ निकलेंगी? हाँ, पहली बात तो शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, और ये बहुत बड़ा पर्व है, सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और शिव जी की झांकी को देखने के लिए तो बहुत लोग, तो हम लोग भी सब लोग हॉस्टल के ही हैं, तो हम लोग चारों लोग का एजुकेशन हो रहा है। नहीं, बनारस से हो रहा है, विद्यापीठ महात्मा का। कहाँ डलेगा?